अददमा फील मिल्ला है स्वलात अंदा बिदवा में मुनकिल्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़िर ए कराम आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा निदा नसीम हमारा ये प्रोग्राम खालिक कायनात की ला महदूद कुदरत और हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है जिसे पेश करने की सआदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है नाजिर करा शुर बकर आयत नंबर उनतीस में इशाद बारी ताला है कि वही तो है कि जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की बात सिर्फ़ इतनी सी है नाजी ने कराम कि अल्लाह तबारक ताली की इस कायन में कई कायनातें आबाद हैं और हमारा ये प्यारा प्यारा घर यानी हमारी ये ज़मीन भी तो एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी कायनात है हम जिस सम भी नज़र उठाते हैं हमें हर सू कुदरत की कार फरमाइयाँ नज़र आती हैं ज़मीन पर उसकी सतह पे मौजूद पानियों में और इसकी गहराइयों में अल्लाह तबारक ने जो नमतें इंसान के लिए रखी हैं नाजिन कराम हम तो उसका शुमार भी नहीं कर सकते और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नमत को झुटलाओगे मिनरल्स यानि मादिन या मादिनियात भी एक ऐसी ही दुनिया है इंसान तो ऐसा दरिया है जो हर समंदर में उतर जाया करता है तो आज हम कोशिश करेंगे इसी समंदर में उतरने की आज हमारा जो टॉपिक है जो मौजू है वो मादिनियात या मिनरल से मुतक़ है नाजिर कर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ अपनी मेहमान शख्सियात से आपका तारफ़ करवाती हूँ मेरे पहले मेहमान इनके हवाले से ये बताती चलूँ कि आप आपूफ आलम दीन हैं और इनके हसन बयान के हम सभी मतरफ़ हैं मौलाना एहतराम हक थानवी साहब मेरे पहले मेहमान हैं असल और आपके साथ हाजिरों मौजूद हैं आप कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी से मुंसलिक हैं आप एक रिसर्चर भी हैं आप एक टीचर भी हैं और आप की जो खिदमत हैं उनमें कंसल्टेंसी भी शामिल है एज आ रिसर्च स्कॉलर वहाँ अपनी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं आपका नाम है अदनान ख़ान असल आप दोनों शख्सियात को मैं खुश आमदेद कहती हूँ प्रोग्राम कायनात में मोाना साहब आपकी जानब में आना चाहूँगी और लोहे एक के तस्करे की जानब आ जाते हैं अल्लाह तबारक ताली ने जो कुरान हकीम में लोहे का तस्करा किया है वो किन आयात में किया है उसकी तफसील हम जानना चाहेंगे और इसी जमे में एक और सवाल करना चाहूँगी कि हज़रत दाऊद को अल्लाह तबारक ताली ने जो लोहा नरम करने का मुआजा अदा किया था उस हवाले से भी बताइए हजरत दाऊद जो हैं ये नबी तो अल्लाह के हैं लेकिन ये सल्तनत के बादशाह भी हैं बहुत बड़ी सल्तनत है जिसके बादशाह उनका हाल ये था कि हजरत अलैहिस्सलाम रियाया का हाल मालूम करने के लिए निकलते थे पूछते थे कहो भाई तुम्हारा बादशाह कौन है लोग कहते थे वो दाऊद हैं वो कैसे आदमी है तो लोग तारीफ ही करते थे इसलिए कि किसी को तकलीफ हो तो शिकायत करे हर आदमी शुक्र अदा करता था और दुआएं देता था दाऊद को ये सब मुतम होते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी रियायत में हर आदमी जो है आज मसरूर और मुतमिन है अल्लाह ताला ने अपने नबी की आजमाइश के लिए एक फरिश्ते को भेजा और कहा कि जाओ जरा आजमाइश तो करो ताऊ हजरत दाऊद मामूल के मुताबिक निकले हैं ये इंसानी शक्ल में ये फरिश्ता मिला पूछा कहो भाई किस हाल में हो कहा कि जी बहुत अच्छा हाल है बहुत खुश है तुम्हारा बादशाह कौन है उसने कहा जी दाऊद कैसा है ओ, उसने पुल बहुत तारीफ की कि बहुत ऐसा हो कोई बुराई उसमें हो तो बताओ उसने कहा एक बुराई है अच्छा एक बुराई है और वो बुराई ये है कि ये बादशाह दाऊद जो हैं ये अपने और अपने घर वालों के अखराजात के लिए बैतुल माल से पैसा निकालते हैं अगर ये खराबी ना हो तो हजरत दाऊद का तो कोई जवाब ही नहीं है और ये नहीं किया कि अपने इख्तियारत को इस्तेमाल करके कहा हो कि इसको पकड़ लो फौरन वापस आए और सजदे में गिर गए अल्ला, अल्ला। और अल्लाह के सामने गिरिया उजारी की कि आज किसी अल्लाह के बंदे ने मेरी इस कमजोरी की तरफ मुझे मुतवज किया है ए परवरदिगार मुझे कोई ऐसा फन कोई ऐसा हुनर सिखा दे कि मैं उसको सीख के अपना और अपने बच्चों का पेट उससे पालू ताकि इस माल, इस बुराई से जिसकी निशानदेही की है मुझे निजात मिल जाए चनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाहना हमने जरा साजी की सनात सिखाई जो लोहे से बनती है और अपने नबी पर यह मेहरबानी कर दी कहा लोहा पीटता फिरेगा कूटता फिरेगा ए नबी तुमने दुआ की कि तुम्हें हुनर दे दे हमने हुनर दे दिया और तुम्हें मशक्कत से बचाने के लिए तुम्हारे हाथ में लोहे को नर्म कर दिया क्या बात है क्या बात है अब जैसा चाहो बनाओ वल्लम ना हो सनातुसम तो और उसके अंदर सख्ती भी हो उसमें खूबसूरती भी हो तरीका सिखाया तो एक तो लोहे का यहाँ जिक्र किया एक जगह और जिक्र किया वहां पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है वहां पर जिक्र है कि हमने अपने नबियों को भेजा और अपने रसूलों को भेजा वा अंजलना किताब वल मीज़ान और हमने नाजिल की उनके साथ किताबें और मीजान तराजू तो अब तराजू कहा अल्लाह ने नाजिल की है ये तो कहीं है नहीं तो तराजू के नाजिल करने का मकसद यह है कि तराजू है इंसाफ का और अदल का सिंबल अल्लाह तला ने अपने नबियों को भेजा और किताब दे के भेजा और अदलो इंसाफ के अहकाम दे के भेजा यह है बीजान ताकि लोगों के में इंसाफ किया जा सके मामुल किताबा वियकूम नासु बिल्क व लोहा उतारा तो ने लिखा है कि ये किताब का और अदलो इंसाफ का जिक्र करते करते लोहे का जिक्र कहा जा गया फरमाया कि वो कौमें जो जुल्म से बाज नहीं आती और सरकशी पे उतरी रहती हैं और खल के खुदा जुल्म करती हैं तो फिर अल्लाह ताला ने उनका इलाज लोहे में रखा क्या है बहुत बेहतर कि किताब से अदल कायम करो मीजान से अदल कायम करो और फिर भी अगर अदल क़ायम करने में दुशवार पेश आए तो फिर लोहे की शक्ति को इस्तेमाल करो अदनान खान साहब आपसे ये सवाल करना चाहूंगी शायद ने क्या खूब कहा है कि या इतना सख्त जहाँ के तलवार बेअसर या इतना नरम दिल के रगे जहाँ से कट गया आज के दौर में की आ, लोहे की क्या अहमियत है लोहे की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि इंसान की जो सिविलाइजेशन का एक गोल्डन पीरियड है जिसको हम आयरन एज के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम सिर्फ और सिर्फ इस लोहे के ऊपर रखा गया जहाँ तक बात है आज जदीद दौर में असली तकाज़ों के मुताबिक इसकी अहमियत का तो आज आप देखिए कि हम अपनी सोशो इकनॉमिक सिस्टम को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं बिल्कुल जितनी भी इस वक्त इंडस्ट्रीज़ दुनिया में लग रही हैं उनका जो रॉ मटेरियल या जो उनके फाउंडेशन उनके स्ट्रक्चर के लिए जो एक मैंडेटरी पार्ट है वो लोहा है आज आप डिफेंस की बात करें तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इसको भी इस लोहे की ज़रूरत है यानी आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से लोहे की अहमियत को ख़त्म नहीं कर सकते और जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च एडवांस होती जाएगी इसके वैल्यू एडेड इस्तेमाल और सामने आएंगे नतीजतन इसकी अहमियत और अफादियत दोनों बढ़ी जाएगी बहुत खूब मौलाना थानवी साहब सरय कहफ में जो याजूज और माजूज का तस्करा किया गया है तो ये याजूज और माजूज कौन हैं और इनकी पेशकदमी रोकने के लिए जो हज़रतुलकरनैन ने जो पेशकदमी इनकी रोकने के लिए जो इकदाम किए मैं वो भी जानना चाहूँगी करीम मैं बेहसत के बाद मुशरक ने मक्का आपके खून के प्यासे थे उस वक्त तीन कौमें ऐसी थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर कमर बसता थी एक तो मक्के के मुशरक दूसरे मदीने के करीब खैबर बस्ती के यहूदी और तीसरे बैतलह के नसारा ये मक्के वाले जो थे इन्हें यह मालूम था कि मदीने के करीब खैबर में यहूदी रहते हैं और वो यहूदी एहले किताब है उन्होंने यहूदियों के पास अपना एक दो नुमाइंदे भेजे के एक नबी पैदा हो गया है मक्के में और आपको नबियों से डील करने का पुराना तजर्बा है तो नबियों को कत्ल किया करते थे ना ये तो बेशक तो लिहाजा हमें भी हमारे यहां भी एक नबी पैदा हो गया इसका कुछ इलाज बताए तो ये दो आदमी जो गए हैं उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताओ उनसे जाके सवाल करो तीन सवाल करो तीन में से तीनों के जवाब अगर सही दिए तो नबी झूठा है और तीन में से दो के जवाब दे दिए और एक का नहीं दिया तो नबी सच्चा है उसमें से एक सवाल तो यह था कि यस अलू न कहानी रूह एक तो रूह के बारे में पूछो रूह कैसी दूसरे उन नौजवानों के बारे में पूछो कि जिन्होंने एक गार में एक अरसा गुजारा वो नौजवान कौन थे और तीसरा सवाल ये जुल्का कौन थे ठीक है रसूल वसल्लम ने जब ये आए हैं और लोगों में मजमे में सवाल किया अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया कि भाई रूह के बारे में तो मैं कोई जवाब दे नहीं सकता इसलिए कि रूह मेरे परवरदिगार ने इसके बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं दो सवालों के जवाब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाब कहफ का वाकया पूरा बता दिया अल्लाह ने वही के जरिए से अपने नबी को मुतल किया और जो का वाकया एक मकाम है कि जहाँ ये रूस का इलाका भी मिलता है तुर्की का इलाका भी उससे मिलता है और चाइना का इलाका और ये नेपाल वगैरह का इलाका भी मिलता है एक मखलूक यहाँ रहती थी और बाद लोग कहते हैं कि इस्लामी खिलाफत का जो खात्मा हुआ है और बगदाद की ईंट से ईंट बजाई है जिसको अपने जिसे मगोल भी कहते हैं मंगोल भी कहते हैं ये लोग हैं वो जो इस दीवार के उस तरफ रहते थे कुछ वो लोग थे कि जो इधर आ गए और ये वही लोग हैं कि जो बाद में जिन्होंने खिलाफत का भी खात्मा किया और वही लोग हैं कि जो मुसलमान हुए और बाद में हिंदुस्तान के ऊपर जिनकी मुग़लों की हुकूमत क़ायम हुई है ये उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बड़ी जालिम नस्ल है और इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत नू आलाम के, के तूफ़ान के बाद जो लोग बच गए थे ये उन्हीं में से हज़रत नू की औलाद ही में से हैं तो लिहाजा ये औलाद नूब भी हैं ये हमारे आप जैसे इंसान भी हैं लेकिन तब ये इतने जालिम और इतनी कर्ख्त हैं कि इनसे लोग तंग आ गए थे दो बादशाह चार बादशाह दुनिया में ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने मशरक से मगरब के दरमियान हुकूमत की है उनमें दो मोमिन हैं दो काफिर हैं हजरत सलेमान है और एक ये, ये दो दोन है और दो काफिर गुजरे हैं। एक मुख्त है। वो है कि जिन्होंने पूरी ग्लोब पर हुकूमत की है ये बहुत रहम दिल थे और बहुत दीनदार थे इनसे कुछ लोगों ने आके ये शिकायत की है कि एक मखलूक और एक कौम इधर रहती है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है उसकी रोकथाम के लिए कुछ कीजिए चुनाचों उन्होंने अल्लाह से दुआ भी की और उसके बाद फिर एक सद और एक बंद बनाया है उस जैसे बंद दो तीन चार आज भी मौजूद हैं दुनिया में इसका तयन मुश्किल से करते हैं लेकिन दीवार चीन को जो लोग कहते हैं कि ये वो बंद है ये वो बंद नहीं है बल्कि ये सद क्रेन जो है ये और है और उससे उन्होंने आ, उस मखलूक ओतम से इधर वालों को महफूज कर दिया और उनको अल्लाह ने ऐसी उनको तोफ़ी दी कि तांबे की और लोहे की आमेज से एक उन्होंने ऐसी अजीम शान दीवार की दी। कि जिससे ये मखलूक जो थी ये दीवार के पीछे महसूर हो गई और ये वही हैं ये कब वहाँ ख़त्म होंगे कब वहाँ से निकलेंगे इसकी तफसीत हैं कि जब कयामत क़ायम होने वाली होगी हज़रत ईसी का रुजूल हो जाएगा दज्जाल भी आ जाएगा उस वक्त फिर ये सदेजुल रहन जो है ये ख़त्म होगी और ये लोग निकल के आएँगे और फिर इस तरीके पर ये पूरी पूरी तफस करीम पे शुरह कहफ के अंदर इतनी तफस से तो नहीं है लेकिन बाहर फसीर में ये पूरी तस, तस्करा मौजूद है सवाल तमाम नहीं हुए मोलाना साहब लेकिन वक्त तमाम हो गया और मुझे बहुत सी बातें अभी ऐसी हैं जो आज के टॉपिक से मुंसलिक हैं और मुझे सवाल आपसे करने हैं लेकिन चूँकि वक्त तमाम हो गया तो मैं वो सवाल नहीं कर पाऊँगी लेकिन आप दोनों शख्सियात का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी कि आप दोनों शख्सियात मौलाना एहतराम थानवी साहब मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ और अदनान ख़ान साहब मैं आपकी भी बहुत मशहूर हूँ कि आप दोनों आज यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में प्रोग्राम कायन के सेट पर हमारी रहनमाई के लिए मौजूद रहे नाजी कराम तो इन शज़ीज़ में अगले प्रोग्राम में इसी टॉपिक के साथ इसी पैनल के साथ हाज़िर हो जाऊँगी अल्लाह तबारक ताली के जो अनमोल ख़जाने है ना जो जमीन की तहों में भी मौजूद हैं जो ज़मीन पर भी मौजूद हैं जो ज़मीन की सतह पे भी मौजूद हैं ये सब हमें अपनी जानब मतवज कर रहे हैं कि हम सब को अल्लाह तबारक ताल की रहमानियत का भी जो है वो यकीन कर लेना है और हम सब को उसी की जानब रुजू करना है और हम सब चूँकि इन तमाम नियमतों से इन तमाम मदनियात से अल्लाह तबारक करीब हो रहे हैं तो हमें उसका शाकिर बंदा बन जाना है इसी मैसेज के साथ निदा नसीम को इजाज़त दीजिए फीवानी